हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लाए हैं और जुगाड़ भी ऐसे लाए हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिए और वीडियो पसंद आएगा तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ मेरी पहली टिप है आलू को लेके। तो नई आलू जो है ना, वो हम जब घर में लाते हैं तो उसको अक्सर हम पीलर से पील करते हैं। लेकिन पीलर से पील करने से क्या होता है कि आपका जो आलू है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही पील हो जाता है, जिससे अंदर की आलू भी आ जाते हैं बाहर और उससे नुकसान भी होता है। और एक चीज़ और है कि आपका पीलर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जब पीलर से हम करते हैं तो हमारे हाथ में और ज़्यादा आलू लग जाता है, उसकी मिट्टी लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको आलू को ना ऐसे ले लेना है। सिल्वर स्क्रबर यहाँ लिया है मैंने और इसी से मैं इसको करूँगी, जिससे इतनी आसानी से हो जाएगा और सिर्फ इसमें छिलका होता है, आलू अंदर का नहीं निकलेगा, आप देख सकते हैं। और जो भी गंदगी है ना, वो इसी के अंदर जाके बैठेगी, आपको ना हाथों में लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि तो यहाँ देखिए एक आलू मेरा छिल चुका है और कि बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगा। तो आप अगर ऐसे ही अगर करेंगे ना, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो पीलर है उसकी में गंदगी भी नहीं आएगी। और ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, वो भी खेल खेल में आपका आलू छिल के रख देंगे, क्योंकि देखिए इसमें हाथ भी कटने का डर नहीं है। नहीं तो पीलर हम खासतौर पर बच्चों को नहीं देते हैं, तो ऐसे आप उनको भी दे सकते हैं, जिससे आपका भी काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आलू मेरा छिलते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इसी तरह हम सारे आलू छील लेंगे और फिर इसको धो लेंगे। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप यहाँ मेरी कैंची को लेके है। तो कैंची हम जब कभी ज़्यादा दिन तक रख देते हैं ना, यूज़ नहीं करते, तो ये जाम हो जाता है और थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय आप क्या करें कि ले लें वैसलीन और इसको कैंची पर लगा दें। तो जहाँ पे यहाँ पे नट लगा होता है ना, यहीं पे हम लगाएंगे इसको, जिससे ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ चलने लगेगा। तो यहाँ जब भी आप कैंची आप यूज़ करें ना, उससे पहले हफ्ते में एक दिन तो आप वैसलीन लगा ही दीजिए, जिससे आपकी कैंची की लाइफ भी बढ़ जाएगी और देखिए ये स्मूथ भी चलने लगेगा। और कभी कभी होता है कि कैंची हमारी कटती नहीं है, तो आप क्या करें कि आप ले लें स्क्रबर, ये सिल्वर वाला, और इसको कट कर लें कैंची से, जिससे क्या होगा कि आपकी कैंची की जो धार है ना, वो तेज़ हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है, अगर कट नहीं रहा है तो ये आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप मेरी बहुत ही यूज़फुल है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पजामे या लेगिंग्स पहनते हैं ना, तो हमारे उसमें पॉकेट नहीं होता है और हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो उस समय हम कहाँ पैसे रखें ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आज एक आइडिया बताऊंगी, अगर आप ऐसे अपने पैसे रखेंगे ना, तो आपके पैसे कभी खोएंगे नहीं और आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे आप बाहर रखिए और जो ज़्यादा हों वो इस तरह से रखेंगे ना, तो आपका कभी भी पैसे खोने का डर नहीं रहेगा। और कभी भी एक साथ इकट्ठे पैसे नहीं रखने चाहिए, दो जगह रखनी चाहिए, जिससे कि एक जगह का खो भी जाए तो एक जगह का बचा रहे। तो आपको क्या करना है कि ऐसे पर्स ले लेना है, ऐसे फालतू पर्स हमेशा पड़े रहते हैं घर में, और उसको हमें लेगेज में ऐसे अंदर लगा लेना है। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना, बहुत अच्छा पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। आप इसमें पैसे रख सकते हैं और ये पता भी नहीं चलता है कि आपने इसमें कुछ रखा है, क्योंकि जब ऐसे देखिए हम बंद करेंगे ना, तो ये एकदम अच्छे से सेट रहेगा, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं रहेगा। और आपके पास अगर और छोटा पर्स हो तो और छोटा पर्स लगा सकते हैं, या तो एक कपड़े का सॉफ्ट वाला आता है वो भी लगा सकते हैं आप, और इसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है टिप आपके लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप कहीं बाहर आते जाते हो हमेशा, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी पैसा खो जाएगा इस चीज़ की, आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पॉकेट बन के तैयार हो गया है, और हम जब घर आएँ तो इसको फिर निकाल लें पिन को, जिससे कि फिर हम कभी जाएँ तो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें छोड़ना नहीं है, आप बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो ये आप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगली टिप मेरे चॉपर को लेके है। तो चॉपर को हम हमेशा यूज़ करते हैं और आजकल हर घर में इसका यूज़ होने लगा है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें कटिंग करते हैं ना, तो धीरे धीरे इसकी धार कम होने लगती है। तो हमें क्या करना है कि इसकी धार को तेज करने के लिए घर पे ही जुगाड़ लगा लेना है, क्योंकि हमेशा हम इसको बाहर ले जा नहीं सकते हैं धार दिलाने के लिए। तो हमें क्या करना है कि ले लेना है दिया और उससे हमें इसको धार देना है।
दिए पे जो चॉपर की ब्लेड है ना उसको अच्छे से ऐसे घिस लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो धार है ना वो बहुत ही तेज हो जाएगी और सब्जियाँ बहुत ही जल्दी बारीक कटेंगी। तो यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे कर ले रही हूँ, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी धार इसमें आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर मिनटों में धार हमारी तेज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए उलट पलट के मैं कर ले गई हूँ कि दोनों तरफ से अच्छे से इसमें धार आ जाए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।